हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट है आरआरसी नौ सेंट्रल और प्रयागराज वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने पुराना पैनल रद्द कर दिया है। बड़ी अपडेट है, देखिए, जो भी इन्होंने 17 तारीख के डेट में इन्होंने जो पैनल दिया था आरआरसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट, आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज वाले स्टूडेंट के लिए, इन्होंने पुराना पैनल रद्द कर दिया है और एक नया पैनल यहाँ पर जारी किया है। और कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर पोस्ट भी चेंज हो गया है। पूरी अपडेट देख लेते हैं। केंद्रीय रोजगार सूचना आरआरसी 01/2019 के संबंध में आवश्यक सूचना, ये ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया, आप देख सकते हैं। आज के 28 के डेट में आज आया है, ठीक है। तो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज आधिकारिक वेबसाइट www.rrcprayagraj.org पर दिनांक 17/3/2023 एवं 19/3/2023 को जारी प्रोविजनल पार्ट पैनल को रेलवे बोर्ड के शुद्धि पत्र संख्या 3/24/1/2022, शुद्धि पत्र संख्या 4/7/4/2022, शुद्धि पत्र संख्या 5/22/4/2022 CA उम्मीदवारों से संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी सूचना दिनांक 22/7/2022 एवं उम्मीदवारों के द्वारा उनके मंडल या यूनिट वरीयता को ध्यान में रखते हुए निरस्त किया जाता है। एवं केंद्रीकृत रोजगार सूचना RRC/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों एवं दिनांक 16/1/2023 से 2/3/2023 तक आयोजित PT परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के DV एवं मेडिकल के जांच के उपरांत निम्नलिखित 2123 अभ्यर्थियों अनुक्रमांक के अनुसार, यानी कि रोल नंबर के अनुसार, को अनंतिम प्रोविजनल रूप से चयनित कर नियुक्त कर पार्ट पैनल जारी किया गया है। तो बड़ी अपडेट है, पार्ट पैनल पहला था उसे रद्द कर दिया है, नया पैनल इन्होंने दिया है और पोस्ट अलाटमेंट भी यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। आगरा डिवीजन में इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि रोल नंबर से मैच करना है आपको, आप देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस जोन से आते हैं आरआरसी प्रयागराज से, तो आप अपना रोल नंबर इसमें मैच कर लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हुआ था उसे अब इस पैनल में नहीं रखा गया है। हालांकि CCA वाले जो स्टूडेंट हैं उनमें कुछ खामियां पाई गई हैं, उन्हें ज़रूर बाहर निकाला गया है। तो आप ज़रूर से आप अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका पहले वाले पैनल में रिजल्ट हुआ था, इसमें नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि पता चले कि नॉर्मल छात्रों को भी ऐसा किया है, बाहर निकाला है, या फिर CA वालों को ही केवल निकाला है, ठीक है। सावधान, उम्मीदवारों द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वह असंवैधानिक तत्वों के चक्कर में ना पड़े जो लिखित परिणाम के आधार पर पैसे लेकर नौकरी दिलाने का झूठा वादा करते हैं। यह नॉर्मल एक दिया गया इन्फॉर्मेशन 28/4 के डेट में आ जाया है, ठीक है। तो पैनल दोबारा जारी हुआ हो गया है, तो आप एक बार फिर से आप अपना रोल नंबर नए पैनल में मैच जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट निकल के आती है, सबसे पहले आपको दे दूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए।